सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। बिहार में 2014 के बाद से होने वाली किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अहम रहा है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये चेहरा मुद्दा बन गया है। केंद्र में एनडीए में शामिल एलजेपी ने बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारते हुए एनडीए से अलग अकेले चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन एलजेपी ने साफ कर दिया है कि वो पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेगी। एलजेपी ने खुलेआम पोस्टरों में प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बाराचट्टी विधानसभा सीट पर एलजेपी प्रत्याशी रेणुका चौधरी का पोस्टर सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल हुआ है। इस पर जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने एलजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी ने अब बीजेपी के भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 6 अक्टूबर को ही बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया गया था कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। साथ ही ये भी साफ किया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल सिर्फ एनडीए यानी जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के प्रत्याशी ही कर सकेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के प्रत्याशी पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद एलजेपी के प्रत्याशी पीएम के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एलजेपी ने बीजेपी की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सीधे सीधे चुनौती भी दे दी है। तो देखिए, एक तरफ एनडीए का हिस्सा अब एलजेपी नहीं है, बावजूद इसके जहां जेडीयू को वो लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं, वहीं जिस तरीके से एलजेपी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं आती कि एनडीए का जब आप हिस्सा नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से एलजेपी लगातार कहती रही है कि जेडीयू से किनारा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल भी करेंगे, उनके चेहरे को भी प्रोजेक्ट करेंगे, उनके नाम पर वोट भी मांगेंगे, ये बात समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह की राजनीति है और बीजेपी इस पूरे मामले में किस तरह की भूमिका निभा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर मौन सहमति दिए हुए है, एलजेपी को पीछे से सपोर्ट कर रही है। सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा है कि एलजेपी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एलजेपी के साथ कोई गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है। एनडीए में ऐसा पहले भी हुआ है जब शिवसेना एनडीए में शामिल थी, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ी। ऐसा ही अकाली दल के साथ भी हुआ जब एनडीए में शामिल अकाली दल ने दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए। तो देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं कि एलजेपी को अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वो हमारे साथ नहीं है तो कम से कम पीएम के चेहरे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन एलजेपी ऐसा नहीं कर रही है। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया शिवसेना का गुजरात का, अकाली दल का दिल्ली और हरियाणा का, और जनता दल यू और लोजपा का झारखंड के अंदर हमारा समझौता नहीं था। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो, और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन, जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में, वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना कि 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज आप नीतीश कुमार पर प्रश्न लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इन 4 महीनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आपको नीतीश कुमार से द्वेष होने लगा।
तो देखिए स्पष्टीकरण आप सुन रहे थे किस तरीके से चिराग पासवान को महत्वाकांक्षी तक करार दे दिया गया। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अनुज अत्रे जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। साथ ही साथ राजेश भट्ट LJP पटना से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पटना स्टूडियो के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुज जी मैं आपका रुख करूंगी। कांग्रेस हालांकि विपक्ष में है, लेकिन आप लोगों की टिप्पणी लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है, ये बात अलग है। नीतीश कुमार के विरोध में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि NDA के साथ हैं। ये किस तरह की राजनीति हो रही है, और इस पूरे मामले में ये क्यों ना समझा जाए कि बीजेपी की मौन सहमति है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी इस पूरे जो ये ठगबंधन है जो बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड का और लोक जनशक्ति की पार्टी का, ये गठबंधन नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए एक ठगबंधन सिद्ध हुआ है। और अब इस चुनाव में भी निश्चित तौर पे ठगी करने के लिए आ रहे हैं। ये बिहार की जनता को न जाने ये क्या समझ बैठे हैं। आज ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार की जनता राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले में देश में सबसे अग्रणी है। और आज ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम दोनों हाथ में लड्डू रख लें, तो वो चीज संभव नहीं है। आप एक तरफ तो जो है इनके चिराग पासवान के बहाने नीतीश कुमार को जो है भला बुरा करवा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगवा रहे हैं कि कल को कोई बात आती है तो आप उनका दामन अपने सहारे उनके ऊपर तीर उछवा रहे। दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं अपना मौन समर्थन, क्या खुला समर्थन दे रहे हैं ये जो अपना रामविलास पासवान जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को टिकट दे करके उनके सिंबल पर चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये कैसा गठबंधन है और कैसी लड़ाई है? तो बिहार की जनता का मत स्पष्ट है कि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 15 साल तक आपने जो है बिहार की जनता को ठगने का कोशिश किया है। सुशासन बाबू के साथ मिलकर जितना कुशासन आप बिहार में दे सकते थे आपने दे दिया, लेकिन अब बिहार की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। पिछली बार भी 2015 के चुनाव में भी इसी प्रकार की ठगी इन्होंने करी थी, जो कांग्रेस और RJD के गठबंधन के साथ जो है जनता दल यूनाइटेड को बिहार की जनता ने सत्ता पर बिठाया था। क्लियर मैंडेट हमारे गठबंधन को मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश बाबू ने बिहार की जनता को 2015 के चुनाव में भी धोखा दे करके, जो पोस्ट पोल अलायंस बदल करके और उनके बाद फिर से दोबारा से इन्होंने गठबंधन किया, ये जनता की जो है विचारों के विपरीत था। जनता ने जो अपना क्या लग रहा है किया, कि बिहार की जनता ये दूसरी बार, अनुज जी, बिहार की जनता ये दूसरी बार इसी तरह की ठगी को समझ नहीं पाएगी क्या? क्या इतनी विवेकशील नहीं है बिहार की जनता? और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी इस पूरे मामले पर कुछ कहती क्यों नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार की जनता सबसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ रखने वाली हमारे देश में जनता है, और जनता समझ रही है। जनता एक बार ठगाई हो चुकी है, क्योंकि 2015 में जिस तरह से जनता ने इनको, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया था और कांग्रेस RJD और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को विजय दिलवाया था, अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन फिर इन्होंने पीछे के पर्दे से जाकर के अपना जो है धनबल के रास्ते से और अपने धन्ना प्रमुख लोगों के माध्यम से जाकर के नीतीश बाबू को इन्होंने कौन सा पट्टी पढ़ाई और अपने पाले में मिला लिया। लेकिन ठीक है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता ने अपना स्पष्ट मैंडेट बना लिया, अब फिर वही ये घोलमेल करने जा रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अंदर खाने में तेजस्वी अपना ये चिराग पासवान जी की पार्टी को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं, अपने साथ उनको कैंडिडेट लड़वाए जा रहे हैं और उन्हीं से ही कहलवाया जा रहा है कि जिसके साथ आप 5 साल आपने जो है सरकार में रहे, आप केंद्र में सरकार में रहे, बिहार में सरकार में रहे और आप चुनाव के समय आज आप उनको भला बुरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस पार्टी ने भी बिहार की जनता के साथ धोखा दिया। इसका मतलब आप सत्ता की मलाई चाटने के लिए जनता के साथ के धोखा है। LJP के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए राजेश भट्ट जी हैं। राजेश जी, ये किस तरह की राजनीति हो रही है? चुनाव आप साथ मिलकर लड़ नहीं रहे, आप नीतीश कुमार के खिलाफ ही तमाम अपने कैंडिडेट्स भी उतार रहे हैं, JDU के विरोध में तो हैं ही आपके कैंडिडेट्स भी, लेकिन बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आपके प्रत्याशी अपने पोस्टर्स में लगाते हैं और आप लोगों की तरफ से टिप्पणी भी ये दी जाती है कि उनके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये राजनीति समझ नहीं आ रही। और जिस तरीके से कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि इस पूरे मामले में आप लोग एक बार फिर से बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ जवाब देंगे आप? देखिए प्रीति जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और अभिभावक जी
हमारे दिवंगत नेता माननीय रामविलास पासवान जी 5 दशकों तक साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। अब उनकी विरासत को आगे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना था कि एक उन्नत बिहार, एक विकसित बिहार, हर घर में रोजगार, मजदूरों का पलायन रुके, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इस उम्मीद पर हम लोगों ने बिहार की सरकार को बराबर आगाह करने का काम किया है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। ठीक है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का कहीं ना कहीं अपमान किया है, यह कहकर उनका संज्ञान ना लेकर कि बराबर लगातार हमारे नेता उनको आगाह करते रहे। कई अनियमितताएं देखने को आई हैं पिछली सरकारों में। आप 15 साल बनाम 15 साल की बात करें तो उधर जंगल राज का पर्याय था अगर 15 साल, तो ये भी घोटालों का पर्याय है। 7 निश्चय योजनाएं इनकी पूरी तरह विफल हो चुकी है। आप देख रही होंगी गांव-गांव में टंकी लगाया जाता है, कहीं टैप लगाया जाता है, कहीं पीसीसी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इनके पास उनके लिए पर्याप्त राशि नहीं है और आधा अधूरा अभी तक 100 में 90% काम अभी इनका ड्यूज है और ये चुनाव में आ गए हैं और इसको लेकर 7 निश्चय योजना का ढिढोरा पीटते हैं, जिसमें इन्होंने लूट का पिटारा साबित कर दिया। ये तो नीतीश कुमार की पार्टी का फेलियर आप गिना रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप जेडीयू के साथ जो भी आपको इत्तेफाक नहीं है, दूसरी बात हमारे माननीय राजेश जी मेरा सवाल ये है कि आप उनको फेलियर गिना रहे हैं तो समझ आता है। मेरा सवाल ये है, विकास पुरुष है जी, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का फेलियर तो समझ में आपका आता है जो आप गिना रहे हैं बातें, ठीक है वो मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो तो एनडीए का हिस्सा है ना इस वक्त, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके आप चुनाव प्रचार में क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, देश के प्रतिनिधि हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारा केंद्र में अलायंस है, हम उनके विकास में कहीं ना कहीं साथ हैं, तो हम उनके सिद्धांतों को, उनको, उनके नीतियों को, उनके कार्यों की चर्चा अवश्य करेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर नीतीश जी का इतना बड़ा चेहरा है तो नीतीश जी अपने चेहरे पर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं? चलिए, आप कह रहे हैं कि केंद्र में क्योंकि वो आपके साथी हैं लिहाजा आप उनके चेहरे का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से सीधे तौर पर राजेश जी कह रहे हैं कि केंद्र में हमारे साथी हैं बीजेपी, तो हम प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? हम स्टेट में जेडीयू के साथ में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लिहाजा उनके हम विरोधी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल हम भी करेंगे। आप किस तरीके से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण देंगे? सुशील मोदी तो कह चुके हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल या उनके चेहरे का इस्तेमाल सिर्फ एनडीए के घटक दलों को करना चाहिए, लेकिन एलजेपी मान नहीं रही है। आप लोग इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बार बार स्पष्ट किया है जी कि प्रधानमंत्री का उपयोग फोटो का आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तब हुए हैं जब एक भाजपा के मेंबर हैं और भाजपा के मेंबर के बाद वो भाजपा के सांसद हैं जी, तब हमारे स्टार प्रचारक है। ठीक है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, इसमें जी देश के संवैधानिक पद के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं। सुन लीजिए, आपने इंटरफेयर नहीं किया था, हमारी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री है, मैं मानता हूं देश के, लेकिन प्रथम वो भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, भाजपा के सांसद हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने यह कह दिया है कि संवैधानिक रूप से कीजिए, तो इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप तारीफ करते हैं हमारे कामों का एक तरफ, दूसरी तरफ आप शिकायत कर रहे हैं हमारी सरकार का। आप उसी के अंग रहे हैं, आप उसी के सांसद बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री के वोट से आप सांसद बने हैं, आप कैसी बातें करते हैं? अभी हमारे मित्र अशोक चौधरी ने कहा, जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष, कि 4 महीने में क्या परिवर्तन आ गया, आपकी कैसी मनसा जग गई? तो ये जनता के नजर में, ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, सारी बातें जा रही हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यों का प्रतिवेदन उन्हें जारी करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लेट डूबेगी,
आपको समझना चाहिए प्रधानमंत्री पर भरोसा था उन्होंने किया है, आपको हमारे गठबंधन में रहना चाहिए था और हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने 55 घोटाले लेकिन एक दूसरे के चेहरे का, उनके कामों का इस्तेमाल, उनके नाम को गिनाना, जनता के बीच जाना, ये राजनीति वाकई गले के नीचे नहीं उतर रही है। हमारे साथ सारिका पासवान जी भी जुड़ गई हैं, आरजेडी से हैं। सारिका जी, किस तरीके से देखा जाए इस राजनीति को, आप क्या कहेंगे? और जिस तरीके से राजेश भट्ट जी पहले कह चुके हैं कि देखिए केंद्र में हमारे साथी हैं लिहाजा हम उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे, हम उनके चेहरे का इस्तेमाल करेंगे, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? सांसद बनाया हमारे गठबंधन ने, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री के गठबंधन ने आपको सांसद बनने का मौका दिया है, इसलिए आपको निश्चित रूप से अभी भी अपने ऊपर संयम रख करके आप प्रधानमंत्री का आग्रह है कि तस्वीर उपयोग ना करें, आप ठीक है चर्चा करें अच्छे कामों का, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कि हम एक खूंटा गड़बे करेंगे ये तो नहीं चलने वाला है। विनोद जी, सारिका जी भी जुड़ी हुई है, सारिका जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सारिका जी, किस तरीके से देखा जाए, ये लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में है तो कम से कम चुनाव तो एक बिल्कुल शालीनता के साथ लड़िए ना, जब आप अलग अलग हैं तो अलग अलग ही रहिए। आप किस तरीके से देखती हैं एलजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है, और बीजेपी यहां जरूर कह रही है कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट क्यों नहीं दे रहे थे? प्रीति जी, आपने जो कहा कि इलेक्शन शालीनता के साथ लड़नी चाहिए, अभी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से वाद प्रतिवाद हो रहा है यहाँ पे, शालीनता तो दिख नहीं रही है जी। और एक टाइम में कुछ दिन पहले अगर हम थोड़ी दिन पहले अगर हम जाएं तो ये दोनों एक ही कह लीजिए पार्टी के अंग थे और अभी आकर के अलग अलग हुए हैं, और एलजेपी लगातार ये बता रही है आपको, आपको बताना चाह रही है कि देखिए हम आपसे अलग हैं, आपसे बैर है, बीजेपी से बैर नहीं है, और इसलिए उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सारिका जी, दीजिए राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है राजेश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक बार सारिका जी को सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रही है। प्रीति जी आपसे भी प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा जी। बिल्कुल वही मैं बोल रही थी प्रीति जी कि अब जेडीयू वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी आपके साथ भी है और एक अलग एक विंग्स भी है जो एलजेपी के नाम की है, तो क्योंकि अब वो आप देखिए खुलेआम आके कह रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री बेशक पूरे देश के, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एलजेपी आज ऐसे अगर डंके की चोट पे कह रही है कि हम प्रधानमंत्री का फोटो, तो वही तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि एलजेपी अभी भी अंग है भाई बीजेपी का, आप ये गलत बिल्कुल मत धारणा में रहिए कि वो अलग है, अभी भी वो मिलकर के छुपे गठबंधन में वो लड़ रहे हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए जेडीयू को। और एलजेपी वाले आप तो एक तरफ से पोस्टर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इनकार भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप गलत कर रहे हैं, गठबंधन टूट चुका है और कहीं कोई लेना देना नहीं है भाजपा से। विनोद जी, गठबंधन टूट चुका है, यही तो मेरा सवाल है कि गठबंधन अब रहा नहीं है, बावजूद इसके आपके प्रधानमंत्री के चेहरे को बाकायदा पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है, जनसभाओं में जिन पोस्टर्स को, जिन बैनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने चुनाव प्रचार के लिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ दिख रहा है। या तो एलजेपी ये स्पष्ट करे कि ऐसा वो क्यों कर रही है, जनता को मिसगाइड करने के लिए कर रही है, क्योंकि बीजेपी भले ही आपका जेडीयू के साथ में इत्तेफाक नहीं बन पा रहा है, लेकिन बीजेपी तो जेडीयू के साथ ही है ना। चेहरे पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर सांसद बने हैं, आपकी नींव खड़ी है हमारे चेहरे पर, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। राजेश साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे? ये सीधे तौर पर जिस तरीके से कह रहे हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं कि एलजेपी की राजनीति समझ नहीं आती और बीजेपी मौन सहमति दे रही है, कुछ कहती नहीं है, जेडीयू को एक तरीके से छोटा करने की कोशिश तो नहीं है ये, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी जो बनना चाहती है? मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार ने 15 साल में ऐसा क्या कर दिया है जिसके कार्यों को लेकर बिहार की 12 करोड़ आवाम फिर से भ्रमित हो? अगले चुनाव में नजर आ रहा है, 4 महीना पहले सोए हुए थे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, 4 महीना पहले आप क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने कार्यों का विकास रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया? पुल बांध रहे थे कल तक मंत्री में, 15 साल में उन्होंने जो जो काम किया है मेरा सवाल ये है आप लोगों से, आप लोग संयम से अगर सुनेंगे तो शायद जनता भी हमारी बात समझ पाएगी। राजेश जी, मेरा सवाल ये है,
आप बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए, लेकिन वहीं जेडीयू के साथ आपको किसी भी तरीके से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि आप तो खामियां गिना रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी तो जेडीयू के साथ ही जुड़ी हुई है ना, आप जिन चीजों की, जिन खामियों को गिना रहे हैं, बीजेपी को तो वो दिख ही नहीं रहे। वो तो सीधे कह रहे हैं कि 4 महीने पहले से आपके सुर बदल गए, आप महत्वाकांक्षी हैं, बीजेपी तक इनकार कर रही है आपकी सोच को लेकर के। फिलहाल वो चुप्पी जरूर साधे हुए हैं, लेकिन फिलहाल आपकी सोच को सपोर्ट नहीं कर रही है, कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो ऐसा ही है। क्या समझें, क्या चुनाव के बाद वापस फिर से कुछ गठबंधन जैसी स्थिति भी हो जाएगी क्या? हम साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर हैं, हमारे माननीय चिराग पासवान जी बिहार के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की का रोड मैप, पूरा सामेकित विकास का रोड मैप जो है तैयार कर लिए हैं। अगले 10 तारीख को हम आपको बताएंगे एक मजबूत सरकार देकर, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत हम इस इलेक्शन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार। राजेश जी एक मिनट रोक रही हूँ, चिराग पासवान का आज एक इंटरव्यू सामने आया है जिसे मैंने सुना, और उसमें उनकी तरफ से कोट दिया गया है कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान साहब ने उन्हें यह सलाह दी थी कि अगर लोजपा को आगे बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, तो ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े जाए। चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े जाने की सलाह क्योंकि रामविलास पासवान साहब द्वारा दी गई थी। क्या सिर्फ यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम खामियां आपकी पार्टी को दिखाई देने लगी? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता, आपके सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि 4 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था बिहार में, अचानक से आपको कमियां दिखने लगी। रामविलास पासवान जी देश के एक बड़े नेता हैं, जिस साफ सुथरी छवि के लिए 5 दशकों तक वो स्थापित रहे, उस साफ सुथरी छवि को और आगे बढ़ाने की कवायद के रूप में लोजपा आगे बढ़ी है, 143 सीटों पर लड़ रही है, और हम किसी ऐसे नकारे सरकार के साथ शामिल होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जदयू का अब चाल और चरित्र स्पष्ट हो चुका है। देखिए ये गजब बात है, एलजेपी के प्रतिनिधि जेडीयू को पूरी तरह से नकारा करार देती है, कहती है 15 वर्सेस 15 में अगर हम इक्वेशन का नतीजा निकालें तो जो नतीजा होगा वो 0/0 निकलेगा, चाहे हम आरजेडी के 15 साल गिन लें या फिर हम जेडीयू के 15 साल गिन लें। अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार की जनता को जो ये कंफ्यूज किया है एनडीए के अलायंस से टूट करके एलजेपी ने, इससे किस तरीके से आप लोग काउंटर करेंगे? क्षेत्र की जनता को कन्विंस कैसे करेंगे कि देखिए ये बाद में एक ही होने वाले हैं, इनके झांसे में ना आए? देखिए ये तो बिहार की जनता तय कर देगी, और बिहार की जनता समझ रही है, खासतौर से इस ये जो एक जो ठग बंधन है भारतीय जनता पार्टी, इसमें केंद्र बिंदु में है। एक तरफ नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ भी इन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है, और जो पीछे पर्दे के पीछे इन्होंने पासवान जी की पार्टी के साथ भी अपना गठबंधन कर दिया है। अब तो नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी ये खुल करके सामने लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां से इनके कैंडिडेट्स को अलायंस में जनता दल यूनाइटेड को गई थी, वहां पे उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है पासवान जी की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह से मिलकर के चुनाव लड़ना चाह रही है। तो जनता ये तय करेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ये जो बिहार में ये जो एक एक, एक रायता फैलाने का काम कर रही है, वो नहीं जनता इनके झांसे में आने वाली। विनोद जी जवाब देना चाहेंगे, सवाल मांगेगी। विनोद जी जवाब देना चाहेंगे, करें, हर एक बार टिकट बेचा जाता है। जी जी निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार से फायदा होगा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रूप लगा रहे और बिहार में भी, तो ये बताएं कि ये फायदा बिहार की जनता को 15 सालों में क्यों नहीं मिला? क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्यों 46% बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता बिहार में है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरे देश में बेरोजगारी। आरजेडी से आप आती हैं, आपके पास तेजस्वी यादव हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आपकी पार्टी की तरफ से प्रोजेक्टेड भी हैं, और मुझे लगता है महागठबंधन में भी उनसे अच्छा चेहरा फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में किसी के पास है नहीं। आप लोग क्षेत्र की जनता को क्या कन्विंस कर पाएंगे फिर कि देखिए बाहरी तौर पर भले ही एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही हो, बिल्कुल एनडीए के घटक दल से अलग हो चुकी है, चुनाव अलग लड़ रही है, लेकिन हकीकत में ये बीजेपी और एलजेपी साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रही है, इनके झांसे में पहले की तरह मत आ जाइएगा वरना हश्र फिर वही होगा। कैसे कन्विंस करेंगे तेजस्वी, इस राजनीति से कैसे निपटेंगे?
प्रीति जी, बिहार की जनता बहुत समझदार है। पिछले कई महीने से बिहार की जनता ये देख रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी की जो मतभेदता है वो बिल्कुल सारे लोगों के सामने है। लगातार वो बोल रहे थे चिराग पासवान, जब भी वो आ रहे थे बिहार, कई बार उनका बीच में बिहार भी आना हुआ, और वो लगातार ये बोल रहे थे कि नीतीश जी अनदेखी कर रहे हैं। बल्कि आप ये कह लीजिए कि जो गठबंधन बीजेपी और नीतीश जी की हुई थी उसमें राय मशवरा तक भी नहीं लिया गया था, ये इस बात की शिकायत वो लगातार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं नीतीश जी भी इस बात से इनकार कर रहे थे कि मैंने गठबंधन बीजेपी से किया है, एलजेपी अगर है हिस्सा तो वो बीजेपी का है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो मतभेदता है बिहार की जनता के सामने ये पहले से है, और जब इलेक्शन का टाइम आया तो ये थोड़ा और खुल करके आ गया। और अब तो हालात ये है कि हम सब जानते हैं कि एलजेपी अलग अपनी सीटों को लेकर के वो लड़ रही है, लेकिन फिर मैं बता रही हूं, हमारी बिहार की जनता ये अच्छे से जानती है, ये जो गठबंधन है नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की और ये एलजेपी की अलग, एलजेपी ने क्लियर किया है कि बीजेपी से हमें बैर नहीं है, लेकिन नीतीश जी आपकी बैर नहीं है। जो ये नारा बहुत मशहूर है, इस नारे के साथ एलजेपी चुनाव मैदान में है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल भी कर रही है, चुनाव प्रचार भी कर रही है, देखना यह है कि उसकी राजनीति का जो यह टैक्टिक है उन्हें कितना फायदा पहुंचाता है, जिस मकसद से वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, विनोद शर्मा जी, अनुज अरत्र जी, सारिका पासवान जी और राजेश भट्ट जी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बड़ी बहस में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, ताजा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ, सहारा प्रणाम।